शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, खेल खेलना हर किसी को पसंद होता है। खेल का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। जो मनुष्य खेल खेलते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर, उड़नपरी के नाम से प्रसिद्ध पीटी उषा और ये हैं हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद सिंह। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं भारत में खेल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी था। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना की नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। आपको पता है, चांदनी रात में निरंतर अभ्यास करने के कारण सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। स्टिक और बॉल के साथ इनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाल तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीते। पहला 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, दूसरा 1932 में लॉस एंजलिस और तीसरा 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीता। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त दी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने हुए थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन हमारे दादा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में फिसलने पर आपा खो दिया व ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई व खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। तत्पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था, मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप, वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रियाई मानते हैं कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि दो हाथों से इतने गोल संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति स्थापित की गई है,
जिसमें उनके चारों हाथों में हॉकी स्टिक है। कई बार तो विपक्षी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी के सम्मान में वर्ष 2012 से हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। देश के राष्ट्रपति देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा विश्व में तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया होता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड के साथ साथ ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।